आज कटैया चौक स्थित यूथ फॉर शिवहर के कार्यालय में युवाओं की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुकेश भोला झा, गंगा दयाल मिश्रा, सत्येंद्र कुमार कुशवाहा जी, संघर्षशील युवा अधिकारी मंच से हरिशंकर जायसवाल जी, नवीन कुमार सिंह, शिव शंकर कुमार, केशव कुमार, फसी फराज, धीरज, ओम प्रकाश तथा अदौरी खोरी पाकर पुल निर्माण संघर्ष समिति संयोजक संजय सिंह तथा एक अच्छी खासी संख्या में युवा मौजूद थे। इस संगठन के विस्तार हेतु सभी युवा संकल्पित हुए तथा साथ ही संगठन के कार्य एवं प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए श्री मुकेश भोला झा ने स्पष्ट किया कि यह संगठन समाज में वंचित वर्गों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा शिवर के विकास के लिए कार्य करने को संकल्पित है। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और इसमें एक समाज सेवी के रूप में वे कार्य कर रहे हैं। यह अलग बात है कि इस संगठन में कार्य करने के दौरान अगर राजनीतिक परिवेश में भी ढलना पड़े शिवर के विकास के लिए और आम जनों के अधिकार उपलब्ध कराने के लिए तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं रहेगा। संगठन पर प्रकाश डालते हुए संजय सिंह का कहना है, इस संगठन के रूप में एक ऐसी टीम की परिकल्पना हो रही है जो समाज में वंचित वर्गों के साथ जुड़कर उनके विकास के लिए कार्य करेगा। युवाओं में उनकी प्रतिभा, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक हो, को उभारने का कार्य करेगा। हरिशंकर जायसवाल जिन्हें इस संगठन से काफ़ी उम्मीद जगी है शिवहर के समुचित विकास एवं आने वाले परिवर्तन को लेकर, साथ ही नवीन जी ने आश्वस्त किया कि उनके स्तर पर हर तरह का प्रयास होगा इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए और जनमानस से जुड़ने के लिए। गंगा दयाल जी मैं अपनी शुभकामनाएं दी, इस संगठन को जल्द ही संगठन विस्तार के लिए अगली बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस शब्दों के साथ बैठक की समाप्ति तथा नारायणपुर पंचायत के विद्यमान समस्याओं पर पहले ध्यान केंद्रित करने की घोषणा के साथ बैठक की समाप्ति हुई।